अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मुंबई किचन डिलीशियस रेसिपी में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही ईजी वे में बनता और ये खाने में इतना टेस्टी होता है कि क्या बताओ। सो फूड लवर्स के लिए हम लेके आए हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी, पराठे और एक स्टफ की पूरी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ बने रहें। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और यहाँ पे मैंने ऑयल में कांदा फ्राई कर रही हूँ। तो आप भी अपनी ऑयल, नमक और मिर्च अपने अकॉर्डिंग रखें, आपको कितना रिक्वायरमेंट है तो आप उसके हिसाब से रखें। और यहाँ पे हमारा कांदा फ्राई हो रहा है, तो मैं यहाँ पर फ्राई करते करते मैं एक बात आपसे बता दूं कि ये बहुत ही ईजी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। कभी कभी तो मॉर्निंग में इतना हैवी नाश्ता तो बनता ही है, तो कभी कभी हम ज़रूर ट्राई करें। और ये लंच बॉक्स के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए और जो ऑफिस गोइंग लोग हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो आप इसे ब्रेकफास्ट करके, तो इतनी मॉर्निंग में कोई जाता नहीं है, तो उनके लिए कि ये टिफ़िन में पैक करके लेके जाए और फिर खाए और इंजॉय करे और बताए कि कैसा बना हुआ है। तो जी यहाँ पे हमारा कांदा फ्राई हो गया है, हमें बस इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, हल्का सा सॉफ्ट करना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च, जितना आप पसंद करते हो तीखा खाना तो उतनी मिर्च डाल दें काट के। और उसके बाद में ऑयल के अंदर थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे इसको अच्छे से। तो जी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के आलू और इसको अच्छे से कट करने के बाद इसको वॉश कर ली हूँ। और मार्केट में तो अभी नए आलू है तो ये मीठा नहीं होता है, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही यम्मी होता है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और खाएं। यहाँ पे हम सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पे करने वाले हैं और 4 मिनट तक हम इसको आलू को फ्राई कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा हमारा आलू के अंदर सॉफ्टनेस और कलर आने तक। तो चले जी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और इसमें नमक डाल दूँगी। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद में यहाँ पे मैं पानी नहीं डालूँगी, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, बस इसका टमाटर के मॉइस्चर में ही हमारा आलू सॉफ्ट होने वाला है। तो इसको लीड लगा के स्लो फ्लेम पर हम रख देंगे। तो जी हमारे 5 मिनट हो गए हैं और इसको मैं वापस से चेक कर रही हूँ और मिक्स करूँगी अच्छे से। हमारा आलू कच्चा पक्का ना हो जाए इसलिए इसे बराबर मिक्स करना है और बीच बीच में से 2 से 3 बार आके चेक करना है। और इसको आलू को सॉफ्ट होए तक हम इसको बनाएंगे और चेक भी करेंगे हमारा आलू जले ना, तो स्लो फ्लेम पर ही बनाएंगे। तो जी देखिए यहाँ पे हमारा आलू अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, मतलब ये डन बन चुका है। और इसको बस 1 से 2 मिनट और हम इसको फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। और उसके बाद में इसमें हम डालेंगे कोथमीर, अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें भर के कोथमीर डालें 1 कप।
और इसको मिक्स करें। और चले दिखाते हैं हमारा फाइनल लुक आलू टमाटर की सब्जी का। तो चले जी, आलू की हमारी रेसिपी डन हो चुकी है। अब हम बना रहे हैं पराठे की रेसिपी और इसमें मैं एक स्टाफ की पूरी भी बताऊंगी। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहे तो उतना आटा ले ले। हम ये गेहूं का आटा ले रही हूँ, तो आप फ्लार भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। आप जिसमें बनाना चाहते हो तो आप उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगी नमक आधा चम्मच और थोड़ा सा शक्कर डालूंगी और पानी डाल के मैं अच्छा सा डो बना लूंगी सॉफ्ट। तो यहाँ पे हमारा डो रेडी है, बस इतना ही सॉफ्ट चाहिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे मैं इक्वल क्वांटिटी में तीन पेड़े निकालूंगी और इसके अंदर मैं बता रही हूँ आपको, जो बिगनर्स है उनके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ और जो एक्सपर्ट है तो उनको पता है कैसा बनता है ये। तो चले जल्दी जल्दी से बना लें। यहाँ पर मैंने आटा लगाई हूँ और इसको रोटी की शेप में ले लें हम। और उसके बाद में आप कोई भी शेप में ले लें, कैसी भी रोटी आड़ी तड़ी बना लें। उसके बाद में इसके अंदर हम डालेंगे ऊपर से रिफाइंड ऑयल डाल लें, बटर डाल लें, घी डाल लें, जो आपको पसंद है वो डालें और इसको सब जगह से स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद हाथ के अंदर ऐसे कर देंगे कि हमारा ऑयल रुक जाए इसके अंदर। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा आटा लगा के इसको जैसे रोटी बनाते हैं बस वैसे ही बेल लेना है। और इसको कोई भी शेप में बेल लें, ज़्यादा मोटा पतला ना करें, बस इक्वल रखें। और फटाक से इसको तवा गरम करके इसमें डाल दें और जैसे ही ये हमारा हल्का सा थोड़ा सा कलर आने लगेगा हम पलट देंगे। इसको पलटने के बाद हल्का सा कलर आने देंगे और जैसे ही हमारा कलर आ जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड ऑयल डाल के इसको बना लेंगे। और चले एक सैम्पल आप देख लें कैसा बनता है और उसके बाद में मैं बताऊँगी पूरी की रेसिपी। तो जी सेम हम सेकंड पराठा भी वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहला बनाया था। तो आप देख लें कि कैसे बनता है। फटाफट से एक और सैंपल। चले जी, फाइनली हम बनाएंगे एक स्टफ की पूरी। तो यहाँ पे मैं एक स्टफ मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था तो मैंने इसमें डाल के बना दी हूँ। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं एक स्टफ की रेसिपी। तो आप इसको इसके अंदर फिल करें और फिल करने के बाद इसको ऐसे ही सेम प्रोसेस करेंगे, थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसको रोटी की शेप में हम बेलन से बेल लेंगे। उसके बाद में सेम प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे हमने पराठा बनाए थे। तो आप यहाँ पे घी बटर आपको जो पसंद है आप डाल दें, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल से बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से, आप देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा फाइनल लुक है और ये हमारे पराठे की रेसिपी है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी और बहुत ही इजी वे में मैं बताई हूँ आपको। और यहाँ पे हमारे आलू टमाटर की सब्जी है, साथ में केचप और यहाँ पे एक स्टफ की पूरी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं और खाएं और बच्चों को भी दें।
और अगर से आपके घर में कोई गेस्ट है तो उनको बना के खिलाएं तो वो आपकी तारीफ करे बिना रहेंगे नहीं। और सो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए यूनिक यूनिक रेसिपीज लाऊंगी और एकदम चुन चुन के ला के बताऊंगी कि कैसा बनता है। और सिंपल बिगनर्स लोग के लिए तो ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताई हूँ। ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट से बनाएं और फ्री हो जाएं। ऐसी रेसिपी और खाने में इतना टेस्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ, जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो वाह वाह करेंगे। सो ये बहुत ही इजी वे में मैंने ये रेसिपी शेयर की हूँ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये बनता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और जब भी ट्राई करें तो आप हमें बताएं कि कैसा बना हुआ है और लोगों का क्या रिस्पॉन्स था इसको खाने के बाद, तो वो तो ज़रूर शेयर करें आप। अगर से वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें देखने के लिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए। तो चले आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यम्मी और टेस्टी रेसिपी के साथ।